देखिए दोस्तों, आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम अपने आप समझ जाएंगे, बट यहाँ पे जरूरत है हमें आपस में मिलके समझने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड डिजाइन लोड, विंटर 22 का क्वेश्चन है। अब इसको रटने से बेहतर है कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझे। आइए कैसे समझते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड को पहले डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट वैल्यू ऑफ लोड, एक लोड की वो वैल्यू है विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी, 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बींग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब समझते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, समझो कि किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते समय आपने वहां पे कैरेक्टरिस्टिक लोड 100 नहीं, कुछ अलग वैल्यू लेता हूं मैं, 80 किलो न्यूटन इतना कंसिडर किया, तो वो स्ट्रक्चर के पूरे लाइफ स्पैन में 95% चांसेस है कि 80 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड कभी भी नहीं जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा। ऐसे लोड को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक लोड। समझिए फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर किसी स्ट्रक्चर को आपने 80 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन किया है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्ट्रक्चर के पूरे लाइफ स्पैन में 95% ऐसे चांसेस है कि वो कभी भी 80 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड नहीं आएगा उस पे। इसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड। दैट्स इट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक लोड। आई होप आप सभी को अच्छे से समझा होगा, समझाए तो लाइक करिए, कमेंट के थ्रू भी बताइए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप लोग, वही मोटिवेशन रहता है हमारा। डिजाइन लोड, डिजाइन लोड क्या है, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाइड बाय ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक लोड को जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब क्या होता है, लोड हैंड एनहांसिंग फैक्टर, मतलब लोड को बढ़ाने वाला फैक्टर है, गिव्स अ लोड नोन एज डिजाइन लोड। तो सिंपली क्या कहते हैं, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो लोड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन लोड। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 95% के चांसेस 100% करते हैं कि 100% 80 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड जाएगा ही नहीं, वो 5% के चांसेस है उसको भी खत्म कर लिया, यानी डिजाइन लोड आपने बना दिया, डन। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, स्टेट द वैल्यूज ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो अभी हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात की, फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, वो स्टील डिजाइन के लिए कितना होना चाहिए और कंक्रीट डिजाइन के लिए कितना होना चाहिए, उसके वैल्यूज पूछे, 2 मार्क्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फॉर स्टील 1.15, ठीक है, स्टील के लिए अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, समझो स्टील डिजाइन करते समय आपने 80 किलो न्यूटन इतना आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड था, तो इसका डिजाइन लोड निकालने के लिए बस आप 1.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिजाइन लोड मिल जाएगा। वहीं पे कंक्रीट के लिए, समझो आपने कंक्रीट भी 80 किलो न्यूटन के लिए कैरेक्टरिस्टिक लोड पे डिजाइन किया था, अब इसका आप डिजाइन लोड चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करो 1.5 इस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, तो आपको क्या मिलेगा, कंक्रीट के लिए डिजाइन लोड मिलेगा। दैट्स इट, इतना सिंपल था, कि विंटर 19 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये दो ही आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, डन। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का, इनलिस्ट द लोड्स टू बी कंसिडर्ड एज पर IS 875/1987। तो स्टील डिजाइन करते समय आपको कौन से IS कोड का इस्तेमाल करना है, 875/1987 वाइल डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर, कौन से लोड को कंसिडर करना चाहिए, बता देता हूं मैं। पहला डेड लोड, डेड लोड मतलब स्ट्रक्चर के एलिमेंट का सेल्फ वेट होता है, IS 875 पार्ट 1 1987। तो पहला लोड कौन सा कंसिडर करना है, डेड लोड, वो IS कोड 875/1987 में है,
पार्ट वन है उसका डेड लोड के लिए। लाइव लोड IS-875 पार्ट टू लाइव लोड के लिए। विंड लोड भी आपको कंसिडर करना है, वही सेम आईएस कोड है उसका पार्ट थ्री है। स्नो लोड है सेम आईएस कोड उसका पार्ट फोर है। ये आपको कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए, कभी आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करोगे तो विच आईएस कोड मस्ट बी रेफर्ड फॉर डेड लोड, ऑप्शंस रहेंगे चारों, तो आपको पार्ट वन 875 1987 ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ऐसा नजरिया रखिए गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत काम आएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, समझ में आया है लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ तूफान शेयर करो, और आपको धन्यवाद देता हूँ आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए।